Now, so we will today start discussing the post-transcriptional modification and formation of ribosomal RNA. So how this ribosomal RNA is produced. Now, ye jo ribosomal RNA is produced, so it is basically produced by cleavage reactions. Like, right? So jo basic pathway hai, formation of ribosomal RNA ka, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज। मतलब एक बड़ा सा आर आर एन ए होगा, उसको हम स्प्लिट करेंगे एंड स्प्लिट करने के बाद उसमें से जो आर एन ए निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइबोसोमल आर एन ए। ठीक है, सो दैट इज वाई क्लीवेज। तो आपके जो पर्टिकुलर लोकेशन पे क्लीवेज करके हम लोग एक बड़ा आर एन ए को छोटा आर एन ए बनाएंगे। क्लियर? सो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं क्लीवेज प्रोसेस। ठीक है, नाउ ये जो क्लीवेज में आपका आरएनएज पी एंजाइम यूज होता है, ओके? तो ये आपका बैक्टीरियल आरएनए को प्रोसेस करने के लिए जरूरत पड़ता है। एंड आरएनएज पी जो है ये एक राइबोसाइम है। ठीक है जी, तो प्लीज रिमेम्बर जो आरएनएज पी है दैट इज कॉल्ड राइबोसाइम। तो व्हाट इज अ राइबोसाइम, आपको मत याद है कि नहीं, बोलिए व्हाट इज अ राइबोसाइम? राइबोसोम एंजाइम्स। हां, राइबोसोम एंजाइम्स, आरएनए एंजाइम सर, आरएनए एंजाइम, आरएनए एंजाइम्स, नॉट सॉरी आरएनए एंजाइम, सॉरी सॉरी सर, गलती से बोलते हैं। तो इसीलिए तुम बड़ा गलती करता है शैलेश अंकल, तो कम गलती करता है। चलो, सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ दिस इज फॉर्म। सो उसको लिख लिया जाए हमारा। सो द आरएनए, ओके, the RNA produced after the process of transcription is always not ready to use and it has to undergo certain changes in order to produce specific RNA. Okay, now these RNAs are known as heterogeneous RNA or pre-RNAs. Humne kya likha tha, pre-RNA, theek hai, ya precursor RNA bolte hain. Now the process that involve that helps in the conversion are referred to as post transcriptional modification. They may be of the following types. So they may be of the following types. So isme jo pehla type humne already discuss kiya tha, mRNA formation, okay? फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया टीआरएनए फॉर्मेशन। तो एमआरएनए फॉर्मेशन में क्या क्या हो गया था हमारा, दैट इज कॉल्ड 5' कैपिंग। बीच में क्या होगा आपका, स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स। एंड थर्ड में क्या होगा आपका, 3' टेलिंग, टेलिंग, ओके, या इसको हम लोग पॉली एडेनिलेशन भी बोलते हैं। टीआरएनए फॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है टीआरएनए फॉर्मेशन में, अगेन उसमें 5' कैपिंग होता है या 5' मैग लिख लो, 5' मैग अटैचमेंट होता है, कॉमा सेकेंड होता है फॉर्मेशन ऑफ लूप्स विथ क्या, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स। तापरे 3' साइड में CCA टेलिंग होता है, तो इसमें भी टेलिंग होता है बट इसको कहते हैं हम लोग CCA टेलिंग।
नेक्स्ट CCA ग्रुप इसमें अटैच होता है. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ tRNA फॉर्मेशन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड RRNA फॉर्मेशन. ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है RRNA फॉर्मेशन. तो RRNA फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज प्रोसेस. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लीवेज प्रोसेस. चलिए, सो सर, हाँ बोलिए सर. आपके सर आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है, थोड़ा कान को तकलीफ हो रहा है. मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं है, मैं तुम्हारा जो अदर्स को साइलेंट कर देता हूँ. सो मेरे बैकग्राउंड में तो कोई आवाज नहीं है. चलिए, तो द आरआरएनएस आर फॉर्म्ड फ्रॉम लार्जर प्रीकर्सर्स बाय क्लीवेज. द प्रीकर्सर्स दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस are cleaved in order to produce smaller products in the nucleolus. ये याद रखेंगे. So RRNA formation कहाँ हो रहा है, nucleolus में. तो इसीलिए ये आपका process है. इसके लिए I will try to show you some slides. Okay, उसमें हम photos देखेंगे. जैसे ये suppose आप देख रहे हो एक photograph. तो इस फोटोग्राफ में आप क्या देख रहे हो, फाइन. सो ये आपका है एक फोटोग्राफ, इसमें हम देख रहे हैं ये प्री आरआरएनए ट्रांसक्रिप्ट है. देख रहे हो, इसमें 16S के लिए कोडॉन है, 23S के लिए कोडॉन है, फाइन. सो इसमें आपका जो 16S RRNA का कोडॉन है, ओके. फिर 23S RRNA का कोडॉन है एंड 5S RRNA का कोडॉन है, एंड उसके साथ आपका tRNA का भी कोडॉन है. प्लस ये जो येलो रीजन्स है, दीज येलो रीजन्स, व्हाट आर दीज येलो रीजन्स कॉल्ड, तो दे आर कॉल्ड UTRs. तो इधर UTR का फुल फॉर्म क्या है, अनट्रांसक्राइब्ड रीजन्स, ओके. एंड इस तरह के UTR को हम कहते हैं स्पेसर्स. तो समझ रहे हो, तो UTR अलग अलग फंक्शन का होगा, पर हमारा यहां जो UTR है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसर्स. तो ये स्पेसिंग करते हैं, अंडरस्टूड. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ UTRs. तो ये क्या है, दिस आर टू, ये एक सिस्ट्रॉन है, ये एक सिस्ट्रॉन है, यहाँ चार सिस्ट्रॉन्स हैं. तो देर आर फोर सिस्ट्रॉन्स, ओके. तो फोर सिस्ट्रॉन्स दैट कोड फॉर RNA. Okay, that code for RNAs. तो इसमें आपके चार सिस्ट्रॉन्स हैं जो कोड करता है, एंड बीच में आपका क्या है, अनट्रांसक्राइब्ड रीजन. अब उसमें हम RNAs 3 एंजाइम लगाते हैं, राइबोन्यूक्लिएज 3, है कि नहीं. इस एंजाइम का नाम है राइबोन्यूक्लिएज 3. तो वो क्या करता है, RNA को काट देता है, तो काट के अलग अलग कर देगा. ठीक है, तो इसने काट के अलग अलग कर दिया, प्लस यहाँ मेथिलेशन किया जा रहा है, ओके. मिथाइल ग्रुप ऐड किया जा रहा है. अब उसके बाद क्लीवेज रिएक्शंस हो रहा है. नाउ क्लीवेज रिएक्शन से आपको 70S मिल रहा है, tRNA मिल रहा है, 25S मिल रहा है एंड 5S मिल रहा है. तो सिंस 17S है, हम न्यूक्लियस यूज करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को काटेगा. तो न्यूक्लियस जब यूज किए तो इसमें से एक 16S RRNA मिला. इधर जब हमने न्यूक्लियस यूज किया
तो हमको 23S RRNA मिला, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक RRNA प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक RRNA प्रोसेसिंग है। नाउ तो विल ट्राई टू क्लोज द स्क्रीन। सर ये क्या मतलब काट देता है 25S से जो 23S होता है? हाँ, छोटा छोटा करुची है, स्प्लाइसिंग और क्या। जैसे जो कपड़ा आप शर्ट बनाने के लिए लिए हो, अगर पूरा का पूरा नहीं चाहिए तो उसका कटिंग किया जाता है, ओके। तो उस तरह से यहाँ भी कटिंग किया जा रहा है। ये उसी तरह से एक और सेगमेंट है, फाइन। तो इधर आप एक और सेगमेंट देख रहे हो, सेम प्रोसेसिंग हो रहा है इधर भी, है कि नहीं। तो इधर भी ये इकोलाई में प्रोसेसिंग हो रहा है आपका। तो इकोलाई में आपका प्रोसेसिंग, ये डायग्राम उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, छोटा सा है ना। इधर आप वही देख रहे हो कि आपका एक लंबा सा सेगमेंट है एंड अल्टीमेटली 16S सेम है, एक्चुअली इज द सेम स्ट्रक्चर। तो वी मे नॉट एलैबोरेट दिस डायग्राम। तो अब यूकैरियोट्स का एक देख लिया जाए, ओके। इकोलाई प्रोसेसिंग ऑफ, ये देखते हैं 18S5S। तो ये आपका है क्या, दिस इज यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक आरआरएनए है। कैसे जानोगे यूकैरियोटिक आरआरएनए है? आपका जो टाइप ऑफ आरएनए देखते हैं। तो आपको मालूम है यूकैरियोटिक आरआरएनए में क्या मिलता है, 28, 18, 5.8 and 5। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये यूकैरियोटिक प्रोसेसिंग है। दिस इज यूकैरियोटिक, ओके, आरआरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यूकैरियोटिक आरआरएनए प्रोसेसिंग। नाउ अब इधर आपका जो प्री आरआरएनए है तो ये 45S है, देख रहे हो। तो दिस इज 45S। तो ये जो 45S है इसको हम लोग काट के छोटा छोटा बना रहे हैं। तो उसमें से आपको एक 18S मिला, एक 5.8S मिला, एक 28S मिला, ठीक है। एंड व्हाट आर दीज कॉल्ड, बोलो। एरो किधर गया? ये सब क्या है, व्हाट आर दीज? इसमें येलो वाले सब क्या है बताइए, येलो वालों को क्या कहते हैं? वही यूटीआर होंगे। दीज आर कॉल्ड इंट्रॉन्स, समझे? क्योंकि ये आपका ट्रांसक्रिप्ट है, ऑलरेडी ये बन गया है ना, तो वो उधर बना नहीं था, इधर बन गया है, फाइन। ये आर आर, ये प्री आर आर एन ए है, वो डीएनए था। सो दिस इज द इंट्रॉन्स, ओके। इंट्रॉन्स या उसको हम लोग कहते हैं इंटरवीनिंग। कैसे याद रखोगे? इंटरवीनिंग, स्पेलिंग ठीक है, इंटरवीनिंग। तो जो इंटरवीनिंग है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, रखाएंगे ना, उड़ा देंगे, देंगे। देंगे। तो अब ये क्या है, एक्सॉन्स, एक्सॉन्स, दीज आर द एक्सॉन्स, ओके। तो या एक्सप्रेसिबल, ओके, इस तरह से आप उसको याद रखेंगे, इंट्रॉन्स या एक्सॉन्स। अगर आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे, कल मैंने एक वीडियो आपका सब्सक्राइब किया है या अप्रिशिएट किया है, एक लड़की का देखना, शी इज ए डॉक्टर, एक्चुअली फॉरेन डॉक्टर। उन्होंने किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ाया हुआ है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। सो यू सी हाउ शी हैज आल्सो टॉट, यू कैन हैव टू गुरुज, नो प्रॉब्लम। चलिए तो ये देख रहे हो, तो ये आपका 18S हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, ना इधर क्या हो रहा है, हम जो इंट्रॉन्स को स्प्लाइस करके एमआरएनए नहीं बना रहे हैं, यहाँ डिफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ हम लोग क्या अलग कर रहे हैं, यहाँ उसके बाद हम लोग मेथिलेशन कर रहे हैं,
एंड मेथिलेशन के बाद क्लीवेज कर रहा है, तो अलग अलग कर दिया, अब ये तीन अलग अलग आर आर एन ए बन गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। हो गया? कुछ पूछना है? मेथिलेशन कहाँ पे होता है? मेथिलेशन आपका हर समय 5 प्राइम एंड में होगा। यस सर। एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे बाद में मेथिलेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में जब आपका सी व्हाट हैपेंस, ये सब दोनों का अलग अलग मकसद है। हमारे यहाँ मेथिलेशन क्यों किया जाता है, ताकि साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स उसको नष्ट ना कर दे। ओके, बिकॉज आपको मालूम है कि जो फर्स्ट बेस पे आपका एयूजी कोडॉन होगा, है कि नहीं, तो अगर मुंडो आड़ू काट दब ताले एयूजी कोडॉन कट जाएगा, तो आपका ट्रांसलेशन कैसे होगा? इसलिए हमको 5 प्राइम एको साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से बचाना है, तो इसलिए हमने मेथिलेशन कर दिया। अंडरस्टूड? प्रोकैरियोट्स में मेथिलेशन क्यों होगा? प्रोकैरियोट्स में मेथिलेशन इसलिए होता है ताकि वो अपने एंजाइम्स को अपने आरएनए को पहचान सके। तो इसलिए उसका मिथाइल ग्रुप अलग है एंड हमारा मिथाइल ग्रुप अलग है, इफ यू रिमेम्बर। ओके, एंड उसको हम लोग फिर आगे भी पढ़ेंगे कभी जरूरत पड़ा तो। चलिए, सो अब ये हमारा दो तरह का हो गया। सो नाउ दिस टॉपिक इज टेक्निकली ओवर। सो आपका ट्रांसक्रिप्शन फिनिश, तो हम लोग एक बार दोबारा देख सकते हैं। हमने एक ये वाला किया था, ठीक है, एंड एक वो वाला किया था, है कि नहीं? सो वी हैव डिस्कस्ड बोथ दी स्लाइड्स। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग कर रहे थे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर स्प्लाइसिंग। हाँ बोलो। ये एक और ये वाला जो है, ये एक और बार देख लो। तो ये जो हमारा जो प्रोसेसिंग है, इन नटशेल दिखा रहा है, तो ये न्यूक्लियस है, तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ आपके, ये बन गया क्या, आप प्री आरएनए। सो दिस स्ट्रक्चर जो बन गया वो है आपका प्री आरएनए, एंड अब उसमें से देख रहे हो ये जो इंट्रॉन्स है उसको काट के अब हमने जोड़ दिया। ओके, एंड फिर अल्टीमेटली आपका पॉली ए टेल। तो टेलिंग अंदर भी हो सकता है, हम टेलिंग बाहर भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये आपका अलग अलग डायग्राम्स है उस प्रोसेस को डिस्कस करें। चलिए, तो वो हमारा टॉपिक फिनिश। हाँ बोलो। हाँ सर, सर मैं बोल रहा था जो प्रोकैरियोट्स में आफ्टर क्लीवेज, जो आफ्टर क्लीवेज जो हमारा यूटीआर जो बच जाता है उसे वो न्यूक्लियस निकाल देता है। प्रोकैरियोट क्या तुम बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रोकैरियोट में यूटीआर आ गया और तुम्हारा न्यूक्लियस भी आ गया। सर नहीं, प्रोकैरियोट्स में जो उसका जो हम कर रहे थे, तो वहां पे आफ्टर क्लीवेज हमें पता है कि जो वो 23S RNA था वो 25S RNA बन गया था, फिर जब न्यूक्लियस ऐड किया तो उसके बाद वो 23S RNA बन गया। सर न्यूक्लियस तो वो एक्सेस पार्ट को निकाल देता है जो यूटीआर को काटेगा, उसको काट कर छोटा कर देता है। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू जेनेटिक कोड। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, एक बहुत सुंदर टॉपिक, वो है हमारा जेनेटिक कोड। ओके, तो जेनेटिक कोड कल हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे थे एंड इस रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड दिस टॉपिक वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल topics that ever happened in the molecular biological field. क्यों? Because इससे पहले इतने सारे लोग लग के एक काम करना नहीं हुआ था, समझ रहे हो? So that is why this is a big Herculean task which was achieved by a lot of people together, है कि नहीं? So this is the case. तो अब कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी हैव मेड व्हाट, वी हैव मेड द क्या आरएनए। अब हमने आरएनए बना लिया, बट प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, प्लस प्रोटीन जो है
वो एमिनो एसिड्स को जोड़ के बनेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास चार एमिनो एसिड्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स एंड हमारे पास 20 एमिनो एसिड्स। तो हाउ 4 एमिनो एसिड्स विल कोड फॉर आपका 20, हाउ 4 न्यूक्लियोटाइड्स विल कोड फॉर 20 एमिनो एसिड्स, इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड, है कि नहीं। एंड यू विल आल्सो बी वेरी हैप्पी टू नो दैट जॉर्ज गैमो, जिन्होंने ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, उनको कलिंग प्राइज से सम्मानित किया गया है। कलिंग इज आवर ओडिशा इन 1956 बाय यूनेस्को, समझ रहे हो। तो सोचो दैट वी हैव ओडिया पीपल हैव गिवन रिगार्ड्स टू द मैन हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्या जेनेटिक कोड। ओके सो दैट इज द केस। अब तो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक एंड वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड। तो सिंस वी विल टेक इट एज अ डाटाबेस, तो हम लोग एक उसमें शुरू करेंगे ऑफिशियली जेनेटिक कोड आज, ठीक है। तो उसमें हम लोग फिर जॉर्ज गैमो वाला वर्क लिखेंगे, दैट अर्लियर जॉर्ज गैमो जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने ये प्रपोज किया था कंसेप्ट, दिस मेंट दैट एनी पर्टिकुलर टाइम अगर हम सेम नाइट्रोजिनस बेसिस को लेंगे इन ए मैनर, इट विल कोड फॉर ए सिंगल एमिनो एसिड। दिस मेंट दैट एनी पर्टिकुलर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट द सेम नाइट्रोजिनस बेसिस बेस अकर्स 3 टाइम्स इन ए वर्टिकल मैनर इंस्टेड ऑफ 1 which is expected on the basis of collinear manner. Okay? Now, this hypothesis, however, was not accepted on the following grounds. So, kya grounds mein ye accept nahi kiya tha? Number one, in the overlapping model, only certain amino acids can follow certain others. After the first amino acid is a protein, in a protein is coded. Suniye. अगर AUG कोडॉन है, ओवरलैपिंग कोडॉन क्या कहता है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड 3 कोडॉन का हिस्सा होगा, तो आप G ले लो, तो AUG इसमें G थर्ड बेस है, उसके बाद UG डैश उसमें G सेकेंड बेस है, उसके बाद G डैश डैश इसमें G फर्स्ट बेस है, है कि नहीं। तो इसका मतलब है अगर AUG कोडॉन आता है तो ऑलमोस्ट अगला एमिनो एसिड फिक्स्ड है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो जनरली थर्ड बेस बदलने से एमिनो एसिड नहीं बदलता है। सो इसीलिए इफ आपने एक एमिनो एसिड लगाया तो ये गारंटी करता है कि अगला एमिनो एसिड वही होगा, अंडरस्टैंड, जो होता नहीं है। ओके नाउ इस तरह से इफ द फर्स्ट कोड इज CAG देन द नेक्स्ट मस्ट बी AG डैश एंड द थर्ड वन विथ G डैश एंड डैश, तो समझ रहे हो। तो विच इज डिफरेंट, अब म्यूटेशन इन्वॉल्विंग ए चेंज इन वन बेस अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस must involve 3 amino acids. So suppose आपका ये G उड़ा दो, तो technically कितना कोड effect होगा? 3. ये भी effect होगा, ये भी effect होगा, and ये भी effect होगा. तो ये जो चीजें हैं बाद में नहीं देखा गया, इसीलिए जॉर्ज गैमो का introduction हमने accept किया, but उसका ओवरलैपिंग कंसेप्ट हमने एक्सप्रेस नहीं किया। कोई शक पूछो फिर आगे चलें। जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी स्लो। सर सॉरी ओवर, हाँ रश्मि को, हाँ बोला सर। इसका जो CAG का होगा, जैसे कि फर्स्ट कोड और सेकेंड कोडन
जो सीएजी और एजीडेस में सेम एमिनो एसिड होगा, लेकिन थर्ड वन के लिए तो डिफरेंट हो जाएगा। सेम नहीं है इडियट, हाउ सीएजी विल कोड एंड एजी विल बी सेम। ओके, सीओजी में आपका पहला एमिनो एसिड आएगा, किंतु जदि सीएजी अच्छी तो सेकेंड टा एजी तो कंपलसरी है ना, एंड थर्ड रो जी कंपलसरी। ता माने गोटे एमिनो एसिड लागिला माने एटलीस्ट ये फिक्स्ड होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एक्चुअली आप लोग थोड़ा सा भी प्री रीडिंग नहीं करते, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ। आई थिंक इन द नाइट आई हैव सेंड यू द फोटोग्राफ ऑफ द जेनेटिक कोड, बट यू हैव नॉट गिवन एनी रिगार्ड्स टू दैट। आपने उसको देखा नहीं, मुंह उठा के सुबह चले आए, है कि नहीं? मैंने आपको क्यों भेजा वो तुम्हारा तो क्लास का नहीं था, तो व्हाई यू डिड नॉट सी दैट। तो अगर देखते तो पता चलता कि एजी के साइड थर्ड बेस में आप कोई मर्जी प्यूरिन लगाओ वो एमिनो एसिड एक बनेगा, एंड अगर पिरिमिडिन लगाओ तो एमिनो एसिड टू बनेगा। तो ता माने जदि आपका फर्स्ट बेस सीएजी है तो ऑलमोस्ट आपका सेकेंड बेस फिक्स्ड है, तो दैट डज नॉट हैपन। सो इसलिए ये कंसेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया। और बोलिए, चला जाए आगे, टाइम हो रहा है हमारा। चलिए अभी तो होगा नहीं कुछ, तो मैं इसको और थोड़ा रायता फैला देता हूँ। नाउ सी हियर, व्हाट इज ओवरलैपिंग कोडॉन? सपोज ए जी ए जी सी ए यू ए सी ए सी यू, नाइन ले लेते हैं हम लोग, तीन तीन तीन। अब देख रहे हो, तो ये आपका सपोज तीन कोडॉन्स। अब इसमें देखिए हाउ मेनी कोडॉन्स कैन हैपन, ठीक है? इसमें कौन कौन सा आपका कितना एमिनो एसिड कोड करेगा। अब देखो ये तीन का एक एमिनो एसिड है ना, उसके बाद ये तीन का एक एमिनो एसिड है, उसके बाद ये तीन हो गया कि नहीं, बुझला? तापरे यही तीन टा रा गोटे एमिनो एसिड अच्छी, तापरे यही तीन टा रा गोटे एमिनो एसिड अच्छी, तापरे यही तीन टा रा गोटे एमिनो एसिड अच्छी, तापरे यही तीन टा रा गोटे एमिनो एसिड अच्छी,